एक्सीडेंट एक्सीडेंट वर्ड सुन के बहुत ही नेगेटिव सी कॉनोटेशन आती है, नेगेटिव सी फीलिंग आती है कि बिकॉज डर लगता है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. सो किसी के साथ भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. बट सर्वे ये कहता है इंडिया में 2019 में, क्योंकि वो वाला डेटा अवेलेबल था, 2019 में ऑलमोस्ट 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट हुए जिसमें से 1.5 लाख लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई. तो उस केस में उनके फैमिली मेंबर्स के लिए प्रोविजन होना बहुत जरूरी है, उसी के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है. तो आप इसी के बारे में मैं आज बात करूंगी कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी कैसे काम आ सकती है फैमिली मेंबर्स के. उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि एक्सीडेंट की बेसिकली डेफिनेशन क्या है. जब हम एक्सीडेंट वर्ड बोलते हैं तो उसकी डेफिनेशन है क्या. एक्सीडेंट एक तो रोड एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है कि कुछ हादसा हो गया, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, किसी भी तरह का एक्सीडेंट, तो वो एक एक्सीडेंट होता है जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जहां पे है वहां पे हो रहा है. दूसरा होता है कि अगर आप सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, बाथरूम में फिसल जाते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट कहलाता है. तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में जो नेचर ऑफ एक्सीडेंट है वो सिर्फ रोड एक्सीडेंट या बाकी एक्सीडेंट्स नहीं है. अगर आप स्लिप करते हैं, गिर गए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट. आप रोड पे चलते चलते गिर गए तो वो भी एक्सीडेंट ही कहलाएगा. इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे वीडियो में. एक हमारे बहुत ही पुराने क्लाइंट कह लीजिए, फैमिली मेंबर कह लीजिए, उनके साथ ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें क्या बेनिफिट मिला उनकी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी से. एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी गलती से हो, कई बार एक्सीडेंट किसी दूसरे की गलती से भी हो सकता है. तो देखिए वीडियो पहले आप. तो जो आपने ये वीडियो देखी ये भी एक तरह का एक्सीडेंट है. सो एक्सीडेंट जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से हो सकता है. जो मैंने आपसे बात करी है, एक हमारे कस्टमर के साथ भी ऐसा हुआ, वो रोड पे स्लिप कर गए और उनके पैर पे लगी इंजरी हुई और उनके पैर की सर्जरी करनी पड़ी. उसकी वजह से उनको बेड रेस्ट पे रखा गया. ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बेड रेस्ट पे वो थे और उनको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी से वीकली बेनिफिट होता है, विच इज कॉल्ड टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, जो आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज में कवर होता है, वो उनको दिया गया. आइए देखिए उनका क्या कहना है इसके बारे में. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार मदान, मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ. मेरे साथ एक हादसा हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. हो सकता है आप उसको अमल करना चाहें तो आपको भी कुछ उसमें बेनिफिट मिले. मैं बाजार में कुछ सामान लेने जा रहा था 5/9/2021 को, मेरा पैर स्लिप कर गया जिससे मेरे को मेरी पंजा जो है वो लटक गया और मेरे को पांव का ऑपरेशन कराना पड़ा. और डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि आप 3 महीने या 3.5 महीने कम से कम आपको घर में रेस्ट करना पड़ेगा. जिससे कि मेरे को अच्छा हुआ कि गुरु लीन जिन से मैंने सलाह करके पहले ही जोनसी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी थी, जिससे मेरे को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्लेम मिला हॉस्पिटल का. साथ में घर में बैठने के मेरा जो बिजनेस में मेरे को नुकसान हुआ उसके मेरे को चार्जेस मिले. भगवान ना करे किसी भी इंसान के साथ ये हादसा हो तो ये हर परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं तो ये चाहता हूँ कि हर घर में ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए, जो कि मेरे साथ बीती है और मेरे को पता लगा. सो, क्योंकि उनके पास पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी थी तो ये बेनिफिट उनको मिल पाया. सो, ये सिर्फ एक सिनेरियो है जहां पे पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल पाता है. पहले तो हम समझेंगे 10 चीजें जो हमें जाननी जरूरी है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के बारे में, जो मिथ्स भी कह सकते हैं या जो हमें नहीं पता. एक्सीडेंट का नेचर जरूरी नहीं है कि वो रोड एक्सीडेंट या किसी और तरह का एक्सीडेंट हो. अगर आप स्टेयरकेस से गिर गए हैं, सड़क पे गिर गए हैं, तो वो भी एक्सीडेंट माना जाएगा. सेकंड, ये पॉलिसी कॉम्पनसेट करती है, जो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है ये कॉम्पनसेट करती है फैमिली मेंबर्स को इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, डेथ के केस में भी और डिसेबिलिटी के केस में भी. ये पॉलिसी ऑफर करती है 100% सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट. अगर किसी ने पॉलिसी ली है लेट्स से 50 लाख रुपीज की और डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, तो फैमिली मेंबर्स को 50 लाख रुपीज दे दिया जाता है एज अ कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस जो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का है, वो यही है कि फैमिली मेंबर्स की जो इनकम है, फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि जो उनके फैमिली मेंबर की डेथ हुई बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो उनका इनकम लॉस कवर करने के लिए. डिसेबिलिटी हुई तो भी इनकम लॉस है, तो बेसिकली इनकम लॉस को कवर करने के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ली जाती है. पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी आपकी लाइफ लॉन्ग रिन्यू हो सकती है. 65 ईयर्स तक आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में एनरोल कर सकते हैं और 18 से लेकर 65 तक का प्रीमियम सेम है. लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, जितने टाइम तक आप रिन्यू करना चाहें आप रिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में आपको अगर डेथ किसी इलनेस के थ्रू होती है तो नहीं मिलेगा क्लेम. किसी बीमारी की वजह से डेथ हुई तो क्लेम नहीं मिलेगा. तो ये टर्म इंश्योरेंस नहीं है,
दिस इज पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी. कुछ एक्सीडेंटल पॉलिसीज में एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी इंक्लूडेड होती है. मान लीजिए उस टाइम एक्सीडेंट हुआ और इमीडिएटली जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है उसके बाद वो भी कवर्ड होती है. नेक्स्ट है कुछ पॉलिसीज में राइडर्स भी आप ऐड कर सकते हैं. जैसे राइडर्स आप चाहें, आप जितना कस्टमाइज करना चाहें प्लान को आप कर सकते हैं. एक तो बेसिक प्लान होता है और कस्टमाइज करना चाहें उसको कर सकते हैं. सो राइडर्स के फॉर्म में आप जो जो राइडर्स आप सोच सकते हैं वो ऐड कर सकते हैं. मतलब वहां तक कि एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आप एज अ राइडर ऐड कर सकते हैं, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होता है. तो आप अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स राइडर ऐड करेंगे और एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग होगी तो वो कवर हो जाएगी इस पॉलिसी में. प्रीमियम थोड़ा ज्यादा जरूर आएगा. लोन प्रोटेक्टर एक राइडर होता है. अगर आपने कोई लोन लिया है और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो वो पेमेंट फैमिली को की जाती है. नेक्स्ट इज, एक तो मैंने बात करी एक्सीडेंटल डेथ पे 100% पे होता है. अगर डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी में परमानेंट डिसेबिलिटी होती है और टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है. परमानेंट डिसेबिलिटी में टेबल होता है, डिफाइंड होता है हर पॉलिसी वर्डिंग के हिसाब से कि कितना परसेंट कितनी डिसेबिलिटी पे दिया जाएगा. टेम्पररी डिसेबिलिटी भी आपकी डिफाइंड होती है पॉलिसी में. बेसिकली वीकली बेनिफिट होता है, जितने वीक्स तक आप बेड रेस्ट पे हैं. जो भी हमने देखा कि राकेश जी 3 महीने तक अगर बेड रेस्ट पे थे तो 3 महीने का वीकली बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी ने उनको दिया. दिस इज कॉल्ड टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी. तो ये आप क्लेम कर सकते हैं पॉलिसी में. इसकी वजह से पॉलिसी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि शायद पहली दो चीजें शायद ना हो, तीसरी होने के चांस ज्यादा है. तो टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी की वजह से आप ये पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं. कुछ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज की मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, आप उनको रेफर कर सकते हैं. डिटेल में उन प्लान्स के बारे में जान सकते हैं. कॉस्ट भी वहीं पे मेंशन्ड है. तो आज का वीडियो बनाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको बताना कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी कितनी जरूरी है. तो अब आप जान गए हैं कि क्या कवर करती है. अब ये जानना जरूरी है कि क्या कवर नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी ये बिना जाने कि क्या कवर नहीं है लेना नहीं चाहिए. अगर आपने राइडर लिया है एडवेंचर स्पोर्ट्स का देन इट विल बी पेड. अगर नहीं लिया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्लेम पे नहीं होगा. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, ये तो बहुत क्लियर है. अगर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या एक्सीडेंटल पॉलिसी हो, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती. एक्सीडेंट जो रिजल्ट ऑफ वॉर है वो भी क्लेम नहीं मिलता है. अगर आप डिफेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तब भी एक्सीडेंटल क्लेम नहीं दिया जाता है. अगर एक्सीडेंट होता है किसी हैजार्डस एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी क्लेम नहीं दिया जाए. एक्सीडेंट होता है अगर आप इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी क्लेम नहीं दिया जाएगा. सो ये जानना जरूरी है कि किस सिनेरियो में क्लेम नहीं पे होगा और एक्सीडेंटल पॉलिसी एक्चुअली में होती क्या है और क्या कवर करती है. ये फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी है, मतलब लंपसम बेनिफिट दे दिया जाता है, इंडेमनिटी नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होती है वो इंडेमनिटी है कि जितना आपका एक्सपेंस आया हॉस्पिटल में उतना पे कर दिया गया. यहां पे फिक्स्ड बेनिफिट है, जितना आपने सम एश्योर्ड लिया उसके हिसाब से परसेंटेज डिफाइंड होगा कि कितना परसेंटेज आपको दिया जाएगा, आपकी फैमिली को दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ क्लेम. पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है एंड आई सजेस्ट प्रीमियम बहुत ही कम आता है. मतलब इसका अगर आप कैलकुलेट करें तो मतलब बहुत ही कम है. सम एश्योर्ड ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल हैं, 5 करोड़ तक की पॉलिसीज अवेलेबल हैं. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी. अगर आप मैं आपको आइडिया दूंगी, किसी कंपनी का नहीं है बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगी कि 10 लाख की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो बिटवीन 1500 to 2000 रुपीज पर ईयर का प्रीमियम है. दिस इंक्लूड्स टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन राइडर. तो आप देखें, आप जब 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उसका प्रीमियम कितना होता है वर्सेस 10 लाख की जब आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना जा रहे हैं तो इसका प्रीमियम इज ओनली 2000 रुपीज ऑन अ हायर साइड. और क्योंकि प्रीमियम 18 से लेकर 65 तक सेम है तो हायर एज के लोग भी इजिली ले सकते हैं. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, मतलब हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है पॉलिसी पे. मान लीजिए आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ क्रिटिकल इलनेस है या कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं आपकी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, दिस इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. तो सबका इक्वल चांस है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट होने की इक्वल चांसेस हैं. दैट इज व्हाई उससे इम्पैक्ट नहीं होता है इसका प्रीमियम. तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर ले, वो तो है ही, जरूरी है. उसके ऊपर एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर टॉपअप करें. जब भी आपका नेक्स्ट रिन्यूअल आ रहा है आप देखें और उसके ऊपर ही पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी टॉपअप कर सकते हैं. दोबारा बताना चाहूंगी, 2 पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज का रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिसके लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं. और कुछ भी पूछना चाहे पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज के रिगार्डिंग प्लीज पूछिएगा, हमारा फोन नंबर ईमेल आईडी नीचे है. कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए. और क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलती रहे. मिलते हैं जल्दी. स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.